शांति। आज 30 मई 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य है और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 10 जनवरी 1988 को सुनाए थे, जिसमें रत्नागर बाप हर बच्चों को अखुट ज्ञान रत्न देते हैं, माला माल कर देते हैं, लेकिन कोई बच्चे इस ज्ञान रत्नों को विधि प्रमाण यूज करते हुए उसकी वृद्धि करते हैं और कोई आत्माएं बुद्धि रूपी तिजोरी में उसको रख देते हैं। जिस तरह कोई स्थूल धन होता है उसको अगर तिजोरी में रख दे तो व्यक्ति को खुशी जरूर होती है, दिल को दिलासा जरूर रहता है कि हाँ हमारे पास इतना धन है, लेकिन उसको यूज ही न करे तो उसकी खुशी, उसका नशा अनुभव नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति उसको यूज करता है उसको जीवन के अंदर प्राप्ति का अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहे ये ज्ञान रत्न है, ज्ञान रोशनी है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान पढ़ाई है और ज्ञान शस्त्र है। लेकिन समय पर उसको यूज करना आना चाहिए। यूज करने की विधि बाबा ने बताई कि जिस तरह भोजन कोई करता है और भोजन को जब हजम करता तो उसकी शक्ति बनती है, ठीक इसी तरह ज्ञान रत्नों को भी मनन करना होता है। जितना मनन करते हैं उतना ही अपने जीवन में उसको धारण कर सकते हैं। मनन करने से वो खजाना हमारा अपना होता है। मनन करने की विधि बाबा ने बताई, मनन करना अर्थात सागर के तले में चले जाना, अर्थात अंतर्मुखी होकर के उस पॉइंट की गुह्यता में जाना। साथ ही साथ जो पॉइंट बाबा ने सुनाई उसका राज को समझना जरूरी है। तीसरी बात कि उस पॉइंट को किस विधि से समय पर हम अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य आत्माओं को भी किस तरह से उसका लाभ दे सकते हैं। तो ये चार रीति से मनन करना बाबा ने सिखाया, क्योंकि तभी जब माया कोई भी प्रकार के विघ्न को ले आती है या प्रकृति कोई भी परिस्थिति का निर्माण करती है तो तब उस शक्ति को यूज कर सकते हैं और उस पर विजयी होने का अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया कि जैसे आज साइंस वालों के पास बहुत पावरफुल बॉम्ब्स है, परंतु अगर उसको यूज करने की विधि न आए और ऐसी जगह गिरा दे जो व्यर्थ चला जाता है, तो उस बॉम्ब की शक्ति होने के बावजूद भी विजयी नहीं हो सकते हैं। ठीक इसी तरह बाबा कहे ये ज्ञान रत्न की एक एक पॉइंट इतने पावरफुल शस्त्र है जो हर क्षण खाली भरपूरता का अनुभव नहीं कराता लेकिन विजयी होने का अनुभव कराता है। लेकिन अगर विजयी नहीं हुए तो बाबा बताते हैं कि कहीं ना कहीं लीकेज है या व्यर्थ जा रहा है। तो इस तरह से बाबा कहे माया जीत बनने के लिए, स्वयं को भरपूर अनुभव करने के लिए, समर्थ अनुभव करने के लिए ज्ञान का मनन करते चलो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को
बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए हैं, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं, कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्न की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख खुशी शक्ति शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। जब कार्य में लगाते हैं तो सुख खुशी शक्ति शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति कर सकते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना धारण करना, मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना व जीवन के हर कार्य में हर कर्म में लगाते हैं। जो मनन करते हुए जीवन में समाते हैं वो जीवन के हर कार्य में हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और जो मनन नहीं करते हैं बुद्धि तक रखते हैं तो बाबा कहे दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में लॉकर में रख लो, तिजोरी में या लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, लेकिन खुशी नहीं होती है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। लॉकर में है तो न उसको बढ़ा सकते हैं न उसकी अनुभूति हो सकती है। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया याद रखा मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है व अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं
उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है, अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना, वो शस्त्र की वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबर वार है। बाबा कहे भरपूर रहने में नंबर वार। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हैं तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। अच्छा, मनन कैसे करना है उसकी विधि बाबा बताते हैं। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना, दूसरी विधि, सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, ये पॉइंट जो बाबा ने सुनाई उसके पीछे का राज क्या है। जैसे कई बार बाबा कहते हैं, ये दृश्य देखा, बाहर का स्वरूप अकल्याण का लेकिन भीतर कल्याण है, तो वो राज क्या है, वो कल्याण क्या है, उसको ढूंढना। तीसरा, और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है। ड्रामा की पॉइंट तो है, लेकिन उसको किस विधि से किस समय पर कार्य में लगाना है। और चौथी बात, हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें, हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। चारों ही बातें कौन सी? अंतर्मुखी बन ज्ञान रत्नों की गुह्यता में जाना, हर एक पॉइंट का राज क्या है, हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ, उसकी रसना लेना शुरू करो, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रत्न माया जीत बना सकते व बनाने वाला है, ये प्रैक्टिकल हुआ अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था माया जीत बनेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है
कि विधि यथार्थ नहीं थी तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहां वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते, इतनी पावर है उसमें। लेकिन अगर विजयी नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हैं। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा देंगे, ये धोखा में आ जाते हैं। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण, उनको टाइटल मिलेगा कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ, रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, चाहे रोज की साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई न कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो और जो चार बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। अंतर्मुखी होकर गुह्यता में जाओ, राज को समझो, समय पर उसको कार्य में कैसे लगाना है और दूसरों की सेवा उससे कैसे करनी है। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ाओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। रूटीन वर्क होता है तो और भी बातें सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो, अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित हो, पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करें। बाबा बहुत सुंदर बच्चों की बात बताते हैं। जैसे कोई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चला है, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है।
स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना, अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, यह चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मग्न रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्प से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। जो काम कर रहे उसी में बुद्धि बिजी है तो ये है साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वो बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाती है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, लिंक रहने से, बाबा के साथ लिंक जुड़ी रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञान दाता स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हुए, अब तीव्र पुरुषार्थी की विधि बाबा ने बताई है, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े? समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है, तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे? रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे? रचना से रचता आगे होने चाहिए, रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो, तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है, साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं, तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितना औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। फिर विदाई के समय पर दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता भी होता है, जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी, जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्पररी अस्थाई धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदाकाल के लिए फल नहीं मिलेगा।